तो गाइस आज हो रही है हमारी क्लीनिंग। देख सकते हैं हम कितना गंदा हो रहा है। आज क्लीनिंग कर रहे हैं अपनी खरगोशों के हाउस की, ताकि जो है ना ये साफ़ सुथरा हो जाए। गंदगी बहुत हो रही थी, तो बाकी जो है ना देख रहे हैं सारे यहाँ डाल दिए हमने, जो नीचे थे सारे सारे के सारे रेबिट यहाँ हैं हमारे, और दो यहाँ छोड़ दिए और एक तो पहले यहीं था। और सैड न्यूज़ भी है जी, देखें आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है ना ये मर गया। सुबह में आया था ये देखे, मैंने देखा ये मरा पड़ा हुआ था, पता नहीं कब मरा होगा। कल पर तो सही था बिल्कुल, तो फिर मैं काम से चला गया थोड़ा, फिर आया देखा यानी अगले दिन सुबह आके देखा तो ये मरा हुआ पड़ा हुआ था। उसको भी निकाला है मैंने, थोड़ी देर में इसको दफना के आ जाएंगे। ये खूबसूरत तो इस ये ही मर गया, देखे उसको भी यहाँ रखा हुआ हमने। अभी क्लीनिंग हो जाए उसके बाद जो है ना इसको हम ये देखें सारा जो है ना यहाँ जमा हो रहा है। ये देखें बहुत जब से बनाया ना, अब जाके क्लीनिंग हो रही है इसमें। देखें छोटा भाई जो है ना सफाई कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप कितनी गंदगी हो रही है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो अंदर है वो अलग है। और बाकी देखें दाना पानी कर दिया, देखो वो बैठा हुआ सामने बच्चा, पता नहीं आपको नज़र आएगा नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, तो अंदर ही बैठा हुआ बेचारा ना। और बाकी तो पता ही नहीं है कुछ क्या है कैसे है क्यों है, पता ही नहीं। अंडे दे रहे हैं दबा के और बच्चों का पता ही नहीं है। देखते हैं बाकी आप लोग भी दुआ करें, हम भी करते हैं कि भाई जल्दी से इनके बच्चे आ जाएँ सेटअप का, तो फिर ज़्यादा हो जाए। अभी तो चार ही हैं, देखें कब अंडे में सब अच्छे निकलते हैं। तो बाकी भाई आज की जो वीडियो है ना हमारी यही है कि क्लीनिंग करनी है पूरी रैबिट हाउस के हमने, ताकि जो है ना पूरा क्लीन हो जाए। आपको अंदर से दिखाता हूँ, देखें कितना साफ हो गया। तो ये हमने गमले रखे हुए थे ताकि इसमें ना बच्चे वगैरह दें, लेकिन भाई बच्चे ज़मीन पे देते हैं, मिट्टी में देते हैं, लेकिन गमलों में नहीं देते। अभी देखें माशाल्लाह तीन चार दे देते हैं, उसमें से एक जो है ना मर गया, यहाँ रखा हुआ हमने देखा नीचे। बाकी जो है ना तीन मैंने फिर अलग कर दिए, क्योंकि फिर जो उसकी रोशनी थी हमारी जिसने दिए थे तो उसको जो है ना हमने नीचे छोड़ दिया था। अब इसकी क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी हमने, तो इधर लाके वापसी जो है ना बच्चे छोड़ देंगे। और बाकी एक तो यहाँ थी जो भी देने वाली है उसको अलग किया, बाबा जी सारे नीचे डाल देंगे, इसलिए क्लीनिंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो है ना क्लीनिंग करी थी हमने यहाँ, ताकि पानी वानी का भी हटा के ना थोड़ा ऊपर लगाएंगे, ताकि मिट्टी वगैरह नहीं आए। क्या क्या ला क्यों क्या हो गया कहाँ थोड़ी सी तो हैं सेटियाँ, देख सकते हैं कितनी सेटियाँ हो रही है। काम कर लेवल का गमले के नीचे देख रहा हूँ कितनी सेटियाँ हो रही हैं। बाकी वो यहाँ से गमला हटाया था हमने भाई, जो है ना आपको उम्मीद है सबकी रूम में खरीद से, तो आज आपने देखा जो है ना रैबिट भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यार एक बच्चा मर हुआ है, तो इस वजह से जो है ना पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं और सारे बच्चे हमने अलग कर दिए। और जो सारे बड़े हैं वो सब एक नीचे छोड़ देंगे, सारे पिंजरे में बड़े अभी सारे जो है ना स्पेस से आराम से आ जाएंगे। और अभी जो है ना इसकी सफाई करके बच्चे यहाँ डाल देंगे, एक को यहाँ छोड़ देंगे जो भी देने वाली,
बाकी जो है ना क्लीनिंग में लगे हैं, क्लीनिंग करना है थोड़ी, देख सकते हैं आपको भी देखो गमले रखे हुए थे, गमला फंस चुका है तो निकल ही नहीं रहा है देखा, तो इसको कोशिश कर रहे हैं निकालने की। बाकी देखें काफ़ी हद तक सही कर दिया हमने, साफ़ कर दिया, बाकी कुछ बना रहे हैं ताकि मट्टी ऊपर नीचे करें तो जो नीचे जो मट्टी है साफ़ सुथरी ऊपर आ जाए, ये वाली नीचे चली जाए, तो उसमें लगे में कुछ जुगाड़ बना रहे हैं। बाकी ये लकड़ी देख रहे हैं ये सही है, तो ये हम लकड़ी ले रहे हैं। बुढ़े के सामने चील बैठी है, हमने इसको यहाँ रख दिया क्योंकि एक्सपायर हो गया, अब किसी काम का नहीं है, रखना हो तो किसी के मुंह में चले जाएगा तो पेट ही भर जाएगा, दो ही दे रहा हूँ। तो ये निकाली है हमने लकड़ी अभी, इसमें कीले ठोक देंगे लाइन से चार पांच, तो फिर जो है ना मट्टी को हम खींचेंगे ऐसे ऐसे खींचेंगे, तो जो है ना ये फिर मट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी हमारी और फिर काम आसान हो जाएगा फटाफट से, इसमें कीले वीले ठोकते हैं। लकड़ी हमारे पास हमेशा लगा दी है, हम आसानी से मट्टी आगे पीछे कर लेंगे, तो देखेंगे ऐसे ठुक जाएगी, इतनी कील बाहर रहेगी और जो है ना आसानी से जो है ना मिट्टी को, जो मिट्टी है ना हमारी इसको फिर हम आगे पीछे करेंगे तो ये थोड़े बहुत सही हो जाएगी, क्योंकि अभी ये पूरी जली हुई है, हम फटाफट ठुक के ठोकते हैं फिर आपको देखते हैं। फाइनली बन गया है, इस टाइप का बना है, इसमें ये लकड़ी लगा देंगे, बाकी जो है ना थोड़ा लंबा हो जाए और फिर जो है ना उसको हम खींचेंगे, लकड़ी उठा के ला वो लकड़ी मिली है ना, तो इसको ऐसा लगा देंगे, तो ये ऐसा लगा देंगे और हमारा जो है जुगाड़ू गैजेट तैयार हो जाएगा, ये तो ओपन कर तो गाइस गैजेट तैयार हो गया, गैजेट दिखाओ, ये गैजेट है हमारा देखें, अब देखें काम कैसे करेगा ये। चलो घुमा ये देखें गैजेट कैसे काम करेगा हमारा, ये देखें मट्टी जो है ना इससे ऊपर नीचे होगी और हमारा काम हो जाएगा आसान। बस ये है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ये देखें कितनी जमी हुई है मट्टी ना, ये देखें कितनी जमी हुई है मट्टी, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी ये हो रहा है, जब तक जो है देख लेते हैं हमने कबूतर के बच्चे कैसे हैं हमारे, ये देखें यार बैठा हुआ भी बच्चों के ऊपर और बच्चे हैं नीचे, तो मैं इसको हाथ लगाऊंगा ना तो ये ना मारना शुरू कर देता है फ़ौरन, तो ये जो है चीख चीख के परेशान कर देते हैं। देख लेते हैं हम अंडा वगैरह तो नहीं दिया किसी ने, चलो यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंदर से देख लेते हैं। हटो 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 तो ओ भाई अभी तक कोई अंडा नहीं दिया इसमें, इसको रखते हैं यहाँ और दूसरे वाले को देख लेते हैं उसने दिया है या नहीं दिया। तो भाई इसका भी हमने चेक किया लेकिन इसने भी नहीं दिया, उनके हाल पेन को छोड़ दें, हम फटाफट क्लीनिंग करते हैं और सारे रैबिटों को नीचे डालते हैं। क्या यहीं से निकलेगा आड़ा करके निकल जाएगा आराम से, यहीं से डाला था यहीं से निकलेगा आराम से, पहले ऐसे करके निकलेगा, पहले निकालू आ गया हमारा गमला फंस गया है, बड़ी मुश्किल हो रही है निकालने में इसको, देखते हैं कि भाई कैसे निकलेगा। तो बोल रहा हूँ यहाँ से नहीं आएगा, ये वाले से नहीं आएगा, तो भाई वहाँ से तो आ नहीं रहा, यहाँ से देखते नहीं गाड़ी,
भाई यहाँ आ गया यहाँ से। तो गाइस फाइनली देखो गमला निकल चुका है, यहीं से निकाला है मैंने, वो नीचे इसके सपोर्ट नहीं है तो ये आगे पीछे हो जाता है, देख रहे हैं ये आगे हो गया पीछे हो गया, तो यहाँ से आराम से निकाल लिया इजीली हमने, इस क्लीनिंग करते हैं। तो आज की जो वीडियो है भाई वो वाली लड्डू, तो बाकी थोड़ा ख्याल कर लिएगा भाई का, उसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, उसमें लगता है टाइम, कम अज़ कम हमें एक घंटा तो हो गया है क्लीनिंग करते हुए ना, बाकी जो हमने जुगाड़ बनाया रखा हुआ देख सकते हैं आप, तो इससे बड़ा जो है ना हेल्प हो रही है, देखें सारी गंदगी बाहर आ रही है और मट्टी जो है ना ऊपर नीचे कर रहा है। भाई फाइनली काम हो चुका है, देखें सारी मट्टी ऊपर नीचे कर दी हमने, ये देखें सारी, इस तरह गाँव में होता है ना उस तरह हमने इसको ओके कर दिया बिल्कुल, ऐसे ऐसे करके ना टेबल कर दिया सारा, ताकि जो है ना कीड़ा वगैरह कुछ पैदा ना हो। ये सारी गंदगी निकली है, अभी ये खाली ये रहेगी, इसको भी साफ करना है, ये साफ हो गया और फिर जो है ना इनको छोड़ते हैं नीचे। तो भाई देख सकते हैं सामने वो बैठा हुआ कबूतर आए, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपना कबूतर, खोलते हैं देखते हैं आता है नहीं आता, वो भी चला गया अभी, वो दिख रहा होगा आपको छोटा सा ये कोने पे बैठा हुआ दिख रहा है, नहीं भाई पीछे चला गया। तो भाई स्पीडी हो रही है काफ़ी लंबी देख सकते हैं आप, इतना काम तो हमने कर दिया, अब जो है ना सारी गंदगी जो है ना ये सारी एक जगह करनी है, और सब तो इसमें कुछ भी नहीं रखना, देखें पूरा जो ना इसी तरह ही रखना है इसको, ताकि पूरा जो ना ये एक सार रहे यहाँ से वहाँ तक, देख रहे हैं आप, देखने में छोटा लगता है लेकिन काफ़ी बड़ा है, समझ लेंगे 4 फीट है ऐसा लंबा जा रहा है, पूरा आराम से जो ना रेबिट हमारे सुकून से रह सकते हैं यहाँ पर। तो भाई जो है ना काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, तो फटाफट से इसको करें, करने के बाद इसको आपको दिखाते हैं, फिर रहते हैं वीडियो का एंड, जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो भाई फाइनली क्लियर हो गया, तो अब रेबिट को डाल लें अंदर, भी सही से एंजॉय करेंगे पूरा जो है ना एक जैसा हो गया, पहले गमले रखे हुए थे हमने एक दो और वो तीसरा रखा हुआ, अब जो है ना सुकून से रहेंगे, ये देखें एक एक करके लेके आ रहे हैं और इसको यहाँ छोड़ रहे हैं, ये देखें ये है ये नर है और ये दो पहले बच्चे दिए थे इसने, ये बड़े हो गए लेकिन ये दोनों मादी हैं और वो नर है, यानी ये बच्चे हैं और वो पीछे जो है वो अब्बा है, और ये आ गई मादी जिसके ये बच्चे थे, और अब देखें दो बच्चे हो रहे हैं, नहीं एक नर है और एक बच्चा है, तो उनको भी फटाफट डालते हैं, ये आ गया बच्चा, ये बच्चा है लेकिन ये भी मादी है नर नहीं है, और अब देखते हैं भाई कौन सा आखिरी आ रहा है, ये आ गए भाई, टोटल हो गए 6, इसमें 2 नर और 4 मादी हैं, तो टोटल 6 हो गए। चलो तो भाई फाइनली छोड़ दिया इनको, सुकून से रहेंगे, देखें कैसे भाग रहे हैं आगे पीछे घूम रहे हैं, तो भाई हमारा हो गया काम खत्म, बस ये काम रह गया तो उनको फेंक देंगे, और करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी, फटाफट वीडियो का एंड करते हैं, और बाकी यार लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।